जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपन सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को हल करना, कैसे अपन इनको हल करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहला अपना जो है टेंस क्या है कि क्या उसकी बहन 3 घंटे से पढ़ रही है। क्या उसकी बहन 3 घंटे से पढ़ रही है? भाई साहब बिल्कुल पढ़ रही होगी, क्योंकि पेपर आ चुके हैं। तो उसकी बहन है तो क्या होगा, यही बचा है, तो क्या लिखेंगे पहले हैज, फिर लिखेंगे उसकी बहन को लिखेंगे हिज सिस्टर, हिज सिस्टर, फिर लिखेंगे बीन, और पढ़ना की क्या होती है रीडिंग, पढ़ना की क्या होती है। और भाई साहब उसकी बहन 3 घंटे से पढ़ रही, पता ही नहीं है कौन से 3 घंटे, तो लिखेंगे फॉर 3 डेज। और क्वेश्चन, किसी को दिक्कत? जे साला डेज का जगह घंटा का अच्छा, तो क्या लिखेंगे आवर। और क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वह सुबह से क्या खेल रही है, वह सुबह से क्या खेल रही है। अब उसको पता होगा वो लुका छुपी खेल रही, तो लिखेंगे पहले सी ए, भाई साहब जो दुखे थे क्या करे थे, क्या डब्ल्यू एच फैमिली का सदस्य दुखा था। सबसे पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे व्हाट, क्या लिखेंगे अब वह एक वचन है क्या बहुवचन, तो लिखेंगे हैज, ही, फिर लिखेंगे बीन, क्या लिखेंगे लड़की है तो क्या आ जाएगा सी। तो व्हाट हैज सी बीन, खेलना की होती प्लेइंग। और भाई साहब वो सुबह से खेलने लगी, तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, क्या लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। और क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या अध्यापक छात्रों को 1 घंटे से इतिहास पढ़ा रहे हैं, क्या अध्यापक छात्रों को 1 घंटे से इतिहास पढ़ा रहे हैं, और हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो कुछ नालक देख नहीं रहे हैं। अब वो कुछ नालक होगा, क्या किया जाए पता नहीं, अभी सूचना पड़ेगा उनको। भाई साहब अध्यापक तो एक ही वचन होता है, तो लिखेंगे हैज टीचर, और बीन, अब भाई साहब पढ़ाना की होती टीचिंग, तो क्या लिख देंगे टीचिंग, और क्या पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, क्या पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री। अब क्या हो गया 1 घंटे से किससे, ये छात्रों को पढ़ा रहा है, लेकिन किसको पढ़ा रहा है छात्रों को, तो ऑफ स्टूडेंट्स फॉर वन आवर्स। क्वेश्चन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब क्या धोबी 10 बजे से कपड़े धो रहा, क्या धोबी 10 बजे से कपड़े धो रहा है, तो भाई साहब धोबी है तो लगेगा पहले साइकिल आएगी हैज, फिर वॉशर मैन, वॉशर वॉशर मैन हो गया। अब धोना की तो आप सब जानते, पहले बीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बीन, पर धोना क्या होती है वॉशिंग, क्या होती है वॉशिंग, और क्या धोएगा क्लॉथ, वॉशिंग क्लॉथ। 10 बजे ही निश्चित समय, तो लिखेंगे सिंस 10 o'clock, ओ क्लॉक। क्वेश्चन मार्क, किसी को दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लकड़हारा रविवार से लकड़ी नहीं काट रहा है, तो देखो क्या आ गया, लकड़हारा तो एक वचन होता, तो लिखेंगे हैज, लकड़हारा की वुड कटर, वुड कटर। अब देखो नहीं आ चुका है, क्या आ चुका है नहीं, तो लगा देंगे नॉट, फिर लिखेंगे काटना की होती कटिंग, और लकड़ी क्या होती है कटिंग वुड, और रविवार भाई साहब उसने दिन बता दिया रविवार से कट रहा, तो सिंस सिंस रोज खाओ, तो ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत में आपको हमको सेंटेंस प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके ही बता सकते हैं। थोड़ी सेंस की एस सी आई ई एन सी है, ठीक है, इसको ध्यान कर लें। ठीक है, अच्छा अब आपके सामने प्रश्न नंबर 6 देखो, इसको अपन कैसे हल करेंगे। कह रहा है कि नीता सुबह से अपना पाठ क्यों याद नहीं कर रही है, भाई साहब उसको बुखार बहुत तेजी से चढ़ रहा है, इसीलिए उसने सोचा मैं सुबह से नहीं पढ़ूंगी, तो क्यों नहीं पढ़ेगी, तो क्यों की मीनिंग पहले लिखेंगे व्हाई, व्हाई, नीता तो लड़की है तो लगेगा हैज, फिर नीता, फिर और भाई साहब नहीं भी मौसी संग है तो लिखेंगे नो, फिर लगाएंगे बीन। अब भाई साहब याद करना है क्या होती लर्निंग, क्या होती लर्निंग, क्या होती एल ई आर एन,
आई लर्निंग और क्या करना है अपना, तो हर लेसन लर्निंग हर lesson. और सुबह ऐसे सिंस मॉर्निंग सिंस और क्वेश्चन किसी को दिक्कत क्या बच्चा दो घंटे से रो रहा है क्या बच्चा दो घंटे से रो रहा है भाई साहब बच्चे ही है सारा रोते ही रहता है तो लिखेंगे हैज चाइल्ड फिर लिखेंगे बीन और रोना की अब भाई साहब अनिश्चित समय पता ही नहीं कौन से घंटे से रो रहा है तो लिख देंगे फॉर टू आवर्स और क्वेश्चन क्या चौकीदार रात से पहरा दे रहा है क्या चौकीदार रात से पहरा दे रहा है तो चौकीदार भी एक वचन है तो लिखेंगे हैज वॉचमैन क्या लिखेंगे वॉच फिर लिखेंगे वीन और पहरा देना कि टू कीप वॉचिंग टू कीप वॉचिंग भी लिख सकते हैं जी यू आर डी गार्डिंग भी लिख सकते हैं ठीक है क्या लिख सकते हैं गार्डिंग भी लिख सकते हैं अब रात से तो सिंस नाइट सिंस क्वेश्चन अच्छा आप टू की वॉचिंग की जगह गार्डिंग भी लिख सकते हैं ठीक है अच्छा उससे कोई दिक्कत नहीं है देखो अब टेंस कह रहा अपन से क्या आंसू एक घंटे से गेंद नहीं खेल रहा है आंसू था बच्चा ठीक है तो लिखेंगे हैज आंसू ये नहीं है तो लगाएंगे नॉट फिर लिखेंगे वीन खेलना कि आप सब जानते हो प्लेइंग किससे खेल रहा है बॉल से खेल रहा है और एक घंटे से तो लिखेंगे फॉर वन आवर ठीक है इसमें ऐसे नहीं लगाएंगे ठीक है वे दो घंटे से क्यों झगड़ रहे हैं वे दो घंटे से क्यों झगड़ रहे हैं तो क्यों की मीनिंग क्या लिखेंगे वाय बे है बहुवचन तो क्या लगेगा हैव क्या लगेगा हैव फिर दे फिर दे फिर क्या आएगा बीन फिर कर रहा है फाइटिंग एफ आई जी एस टी आई एन जी क्या कर रहे हैं फाइटिंग और दो घंटे से तो फॉर टू आवर्स क्योंकि ये बंद था इसीलिए आवर लिखा क्योंकि आवर एक वचन होता है इसीलिए आवर लिखा और दो बहुवचन की गिनती में आते इसीलिए आवर्स कर देते हैं ठीक है इसलिए आपके पूरे 10 सेंटेंस हमने कंप्लीट कर दिए हैं अब आपके मिसलिनियस जो भी टेंस है उनका टेस्ट होगा ठीक है आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको कोई भी दिक्कत या कमी लगती तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि भैया आप ये गलत बता रहे हैं कुछ भी दिक्कत हो या आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और आपको अच्छा सिखाने का प्रयास करेंगे आप सबसे विदा लेते हैं मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत